आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ सपा कार्यालय पर एक बैठक की गई, जिसमें कौड़ाकांत मौर्य को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा फैजाबाद गोरखपुर से स्नातक विधान परिषद प्रत्याशी घोषित किए जाने पर जनपद पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी ने निर्णय लिया कि लोकसभा उपचुनाव, नगर पालिका और नगर पंचायत व स्नातक चुनाव के संबंध में बैठक कर सबकी जिम्मेदारी तय की गई। कौड़ाकांत मौर्य ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सम्मान मुझे दिया है, उसका मौर्य समाज सदा आभारी रहेगा। उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरूंगा। बैठक में पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, विधायक फूलपुर रमाकांत यादव, विधायक मेहनगर पूजा सरोज, सगड़ी विधायक एचएन पटेल, सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव सहित काफी संख्या में सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस मौके पर क्या कुछ कहा स्नातक प्रत्याशी कौड़ाकांत मौर्य व सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने, आप भी देखें और सुने हमारी इस रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्नातक विधान परिषद फैजाबाद, आज गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के लिए आदरणीय कौड़ाकांत मौर्य को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। कौड़ाकांत मौर्य बहुत संघर्षशील मेहनती नेता हैं। इनको प्रत्याशी बनाए जाने पर हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं और हम आप आज से लग करके वोट बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, वोटों को काटा जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा पहला लक्ष्य है कि हम किस तरह से वोट बढ़ा करके चुनाव जीतने का लक्ष्य हासिल कर सकें। आने वाले दिनों में हम लोग उपचुनाव भी होंगे, उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। जो वोट डिलीटेड हैं, काट दिए गए हैं, उन वोटों को पुनः सम्मिलित कराने का काम संगठन के लोग करेंगे और इस बात को लेकर के हमारी तैयारी चल रही है। हमने सभी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है 7 तारीख को सभी विधानसभाओं में इस संबंध में बैठकें होंगी। मैं कौड़ाकांत मौर्य, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्नातक क्षेत्र गोरखपुर वाराणसी से, गोरखपुर फैजाबाद से प्रत्याशी बनाया है। देखिए, स्नातकों और शिक्षकों की तो तमाम समस्याएं हैं जो इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। बेरोजगारी चरम पे है, हमारे स्नातक साथी बेरोजगारी के रूप में भटक रहे हैं दर दर। कोई से बेरोजगारों की बहुत बड़ी समस्या है जो स्नातक क्षेत्र है। स्नातकों की समस्याओं को, स्नातकों की मांगों को सदन में उठाने के लिए संविधान में इसको जगह दी गई थी। निश्चित तौर पे सदन में जाने के बाद जो बेरोजगार हैं स्नातक, उनकी मांग को उठाया जाएगा। जो हमारे शिक्षक साथी हैं जो पुरानी पेंशन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन ये सरकारों के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है, तो उसके संबंध में सदन में उठाने का काम होगा। सदन में निश्चित तौर पे जो इनसे संबंधित समस्याएँ, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा महंगी होती जा रही है, गरीब के बच्चों को आज शिक्षा उच्च शिक्षा में जाना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। निश्चित तौर पर सभी चीज़ों की मांग सदस्य बनने के बाद किया जाएगा। ये चुनाव जनवरी में होगा, इसकी चूँकि ये वोटर लिस्ट 0 हो जाती है, नए सिरे से वोटर लिस्ट बनती है, तो उस प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं और वोटर लिस्ट की डेट आने के बाद वोटर लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद चुनाव तक, जनवरी तक चुनाव। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।